आज की ये रेसिपी देखने से आप ये सोच सकते हैं कि ये मामूली खीर है, मगर नहीं, ये एक एनर्जेटिक खीर है जिसे आप व्रत में खाएंगे तो पूरे दिन एनर्जेटिक फील करेंगे और थकान कमज़ोरी तो बिल्कुल होगा ही नहीं। तो इसे आपकी कोई भी व्रत हो, सावन का व्रत हो या फिर नवरात्रि हो या फिर कोई भी व्रत हो, आप इसे ज़रूर बना के खाइए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हाय एवरीवन, मैं हूँ नीभा और आपका आपके अपने चैनल कुक विद नीभा में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले कुछ तैयारी करना होगा, फिर उसके बाद रेसिपी तैयार करेंगे। इसके लिए मैं मीडियम साइज़ का साबूदाना ली हूँ 1 कप और उसे पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसमें से डस्ट और इम्प्योरिटीज़ निकल जाए। एक बार इसे अच्छे से धोने के बाद थोड़ा सा पानी इसमें डालकर इसे सोक करने के लिए रख देंगे ताकि साबूदाना हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो इसे 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे तो वो परफेक्ट हो जाएगा, एकदम खिला खिला साबूदाना रहेगा। उसी के साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स भी सोक कर लेंगे। 1 टेबल स्पून खसखस लिए हैं, उसे भी पानी में सोक कर देंगे। यहाँ पर 4 से 5 अंजीर है, उसे भी पानी में सोक करेंगे। थोड़ी पिस्ता है, उसे भी सोक कर लेंगे और आलमंड है, उसे भी सोक कर लेंगे। ये देखिए 3 घंटे के बाद साबूदाना कितना सॉफ्ट हो गया है। अब सारा ड्राई फ्रूट्स जो है उसे एक मिक्सर के जार में डालकर उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है ताकि ये जो खीर में हम डालेंगे तो इससे हमारा खीर का टेस्ट भी अच्छा होगा और बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। ड्राई फ्रूट्स ऐसे तो हम लोग चॉप्ड करके डालते ही हैं, मगर अगर इस तरह से पेस्ट बना के डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा होगा। अभी कढ़ाई में 1 टीस्पून घी डालेंगे और उसमें 1 कप मखाना रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए मखाना हमारा रोस्ट हो गया है और अब उसी कढ़ाई में यहाँ पर 1.5 लीटर मैं दूध ली हूँ और दूध अच्छे से बॉईल हो गया है। अब उसमें डाल रही हूँ साबूदाना। तो साबूदाना को ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है क्योंकि साबूदाना पहले से सोक किया हुआ है, इसलिए ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। 5 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाता है और ये ट्रांसपेरेंट जैसा दिखने लगेगा तो हम समझ जाएंगे कि साबूदाना हमारा कुक हो गया है। ये देखिए यहाँ पर मैं चेक की हूँ तो यहाँ पर साबूदाना और थोड़ा पकेगा। अब यहाँ पर मैं तब तक 4 से 5 इलायची को क्रश कर लेती हूँ। थोड़ी देर साबूदाना पकने के बाद अब इस स्टेज पे डालेंगे चीनी टेस्ट के हिसाब से। चीनी डालने के बाद अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी अच्छे से साबूदाना के अंदर चला जाए। अब इसमें इलायची क्रश किया हुआ डाल देंगे। तो छिलका मैं निकाल दी हूँ और सबको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब इसी स्टेज पे डालेंगे जो तैयार किया हुआ हमारा पेस्ट था ड्राई फ्रूट का, वो डाल देंगे। और डालने के बाद देखिए मिक्सर के जार में भी बहुत सारा लगा हुआ है तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके ये वेस्टेज ना हो इसलिए इसमें डाल देंगे। तो सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे है ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है खीर का। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आपको बहुत एनर्जी मिलेगा फास्टिंग में। आप ऐसे भी खा सकते हैं इस खीर को। ये देखिए ये खीर अब तैयार हो गया है। अब इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो केसर डाल सकते हैं, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। या फिर ड्राई फ्रूट्स आप चॉप्ड करके भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए साबूदाना हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया है और अच्छे से कुक हो गया है, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब इस स्टेज पे डालेंगे जो हमारा रोस्टेड मखाना है, वो डाल देंगे। आप मखाना को ऐसे भी कर सकते हैं कि सर्व जब करना हो ना तब डाल सकते हैं ताकि इसके अच्छे सा क्रंच बना रहे। तो लीजिए तैयार हो गया हमारा मखाना साबूदाना खीर जो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगने वाला है और व्रत में अगर आप खाएंगे तो पूरे दिन एनर्जेटिक फील करेंगे। तो बस इसे अपने व्रत में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और नहीं तो आप डेली भी मॉर्निंग में आप इसे खा सकते हैं। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।